हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 9th के चैप्टर 8 मोशन का है। इसमें हम चैप्टर 8 के क्लास नोट्स को पढ़ाएंगे कि इसमें क्या क्या वीवीआई पॉइंट्स को पढ़ना है। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखते सबसे पहले यहाँ पे क्या यहाँ पे होता है कि मोशन, हम सबसे पहले देखते हैं कि मोशन क्या होता है। तो मोशन में सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल स्टेट दो टाइप का होता है, या तो ऑब्जेक्ट या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या तो मोशन में हो सकता है। फिर यहाँ है कि रेस्ट और मोशन, मोशन के टाइप होते दो, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी होते थे दो टाइप, एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा होता है डिक्लेरेटेड मोशन। इसका भी दो टाइप, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली, इसका यूनिफॉर्मली फिर नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के तीन इक्वेशन, फर्स्ट है वी बराबर यू प्लस एटी, ठीक है, वी बराबर यू प्लस एटी। सेकेंड है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड बराबर है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तीन हो गए। अब देखते हैं सबसे पहले ये तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है तो वो शुरू शुरू में देख लिए। अब देखिए इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या हैं। कंटेंट्स सबसे पहले हमको देखिए क्या पढ़ना है, डिफिनीशन ऑफ रेस्ट और मोशन, मतलब रेस्ट का डिफिनीशन और मोशन का डिफिनीशन पढ़ना है पहले। ठीक है, फिर पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ना है। फिर पढ़ता है क्या पढ़ना है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। फिर पढ़ना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड देयर डिफरेंसेस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, देयर टाइप्स। यूनिफॉर्म ऊपर बताए दिए थे, यूनिफॉर्म मोशन के दो टाइप, नॉन यूनिफॉर्म के भी दो टाइप। ठीक है, मोशन के दो टाइप, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के दो टाइप, एक्सेलरेटेड डिएक्सेलरेटेड। फिर आप पढ़ना है स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्लेरेटेड मोशन क्या होता है। फिर लास्ट में पढ़ाएंगे कि ग्राफ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को। उसके बाद हो जाएगा कि मोशन के तीन इक्वेशन का डेरिवेशन जो बताया हमें, फर्स्ट बराबर वी बराबर यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इस तीनों को हम ड्राइव कैसे करते हैं उस पर लास्ट में ये बताएंगे। वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लास्ट में ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मोशन के डिफिनेशन को। ठीक है, मतलब यहाँ बताए थे कि रेस्ट और मोशन का डिफिनेशन। सबसे पहले यहाँ होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, रेस्ट देख लिए क्या है, ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए रिफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाता है जब क्या करता है कि टाइम के अकॉर्डिंग अपने क्या करे, अपने प्लेस को चेंज नहीं करता हो। ठीक है, फिर मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के अकॉर्डिंग अपने प्लेस को चेंज करता हो तो उसको बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट मोशन में। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ कि मोशन के टाइप, तो बोलता है कि मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप्स ऑफ पाथ बाय विच दी ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। अब बोलता है कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि
कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन किस प्रकार के पाथ पे कर रहा है। अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन, अगर लीनियर पाथ पे मोशन कर रहा है तो किसी लाइन में मोशन कर रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ मोशन, उसको लीनियर मोशन बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है कि ओरिजिन से चल रहा और किसी पॉइंट पे पहुंचता है उसको बोलते हैं ऑक्सीलरेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि क्वांटिटीज भी बताते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट होता है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ क्या हो कि मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो। अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, जैसे डिस्टेंस क्या होता है 5 मीटर डिस्टेंस हो, लेकिन ये तो डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए क्या होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं होता है उसको बोलते हैं क्या चीज़, स्केलर क्वांटिटी। और जिसके पास क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब डिस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये इसका नाम है ए और ये है बी। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ से चलता है और उसको पहुँचना है लेके ए से सी तक। अगर यहाँ बोलता है कि वो पहले ए से गया सी पर और सी से गया बी पर, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट हम पहुँचना है सी पर तो क्या कर सकते हैं, ए से ही सी पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ होता है कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, मतलब जिस तरह से गया, सबसे पहले ए से सी गया, सी गया ए से सी तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर सी से बी तक गया तो सी से बी तक का डिस्टेंस, दोनों को जब हम डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो वो डिस्टेंस कहलाता है, दोनों के लेंथ को बोलते हैं उसका डिस्टेंस। ठीक है, यानी एक्चुअल पाथ मतलब यहाँ से यहाँ जितना पाथ था वो और यहाँ से यहाँ का पाथ, इसको बोलते हैं क्या चीज़, डिस्टेंस। अगर पूछेगा कि ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, तो यह हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पॉइंट, मतलब जैसे मान लीजिए हमको जाना है, जैसे मान लीजिए ये है एक, यह एक पॉइंट है और यह पॉइंट है, कोई रास्ता है ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और लास्ट में यहाँ मिलती है, तो ये क्या होता है, इस लेंथ को बोलते हैं, इस पूरे लेंथ को बोलते हैं इसका डिस्टेंस। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा लाइन है जो क्या करता है कि यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट यहाँ से पहुँचा देता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस, ब्लू वाले को बोलते हैं डिस्टेंस। वही लिखा है एक्चुअल पाथ, किसी भी जैसे एक्चुअल पाथ है जिसको ट्रेवल करता है ड्यूरिंग जर्नी के दौरान, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ होता है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बता दिए कि उसका शॉर्टेस्ट जो लेंथ है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। बोथ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है क्या कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है साथ साथ डायरेक्शन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ बोलता है कि रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, लेकिन वही पे है कि रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर, रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर,
यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है, ये साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर, ये क्या कर रहा है कि डिस्टेंस डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। और 65 जो है ये ओनली मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। इसमें क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड इसमें भी है लेकिन इसमें डायरेक्शन एक्स्ट्रा से है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर बोलता है कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी यहाँ चला, ठीक है, यहाँ से चला, और जैसे मान लीजिए यहाँ से चला और फिर घूम फिर के यही इसी पॉइंट पे आ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, तो बताए थे डिस्प्लेसमेंट जो होता है किस किस के शॉर्टेस्ट लेंथ को बोलते थे। ये पॉइंट फाइनल भी यही था और इनिशियल भी यही था, इस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है ना, जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर पहुँच रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होते चला जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो हो जाएगा जीरो, ओके। अब हम बताते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, ओके। देखिए यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, डिस्टेंस क्या होता है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट कॉल डिस्टेंस। बताए थे कि जितना जैसे जैसे जा रहे टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो उसको बोलते डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टेस्ट लेंथ को बोलते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये होता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब निगेटिव कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये पॉइंट ए है, ए से बी तक गया, ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में होगा। अगर मान लीजिए फिर से लौट के इसी पॉइंट पे आ जाएगा, जिस पॉइंट चला था, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इस पे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ से अगर इधर सी पॉइंट पे पहुँच गया इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा यहाँ से, इधर निगेटिव हो जाएगा, जिस पॉइंट से उसी पॉइंट पर पहुँच गया तो वो बोलते हैं वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव, जब आगे चला तो डायरेक्शन की दिशा में चलेगा तो क्या पॉजिटिव, इसको जाना था इधर लेकिन क्या लौट के वापस चला गया, इसलिए क्या हो जाएगा निगेटिव, ओके। चलिए अब देखते हैं आगे। अब फोर्थ में कि डिस्टेंस कैन बी ट्रेवल, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये बी है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, लेकिन ऐसा है कोई लाइन ऐसे जा रही है ऐसे जा रहा है, इसका दोनों का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो सकता लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, ओके। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए बॉडी ट्रेवल इन ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तुरंत बताएं कि डिस्टेंस क्या होता है कि ए से बी जाने के लिए ये जो गया ये लैंप पाथ जो है रास्ता ये था, ठीक है। हम जानते हैं कि यहाँ से जाने के लिए क्या क्या सेमी सर्कुलर पार्ट पे गया, तो हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ ये लेंथ बोली लेंथ ऑफ सेमी सर्कल पाथ पूरा होता है कितना, 2πr, और हाफ जब करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा πr।
इसी को बोलते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, या लेंथ बोले या तो सरकमफेरेंस बोले, ठीक है, लेंथ या सरकमफेरेंस। फिर यहाँ से हो जाएगा, अब यहाँ दिया हुआ है क्या चीज़, यहाँ रेडियस दे दिया, आर बराबर दे दिया, कितना आर बराबर दे दिया गया है 10 मीटर, और पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। तो हमको निकालना है कि डिस्टेंस मतलब एस, एस बराबर बता दे कि यहाँ होता है पाई आर, पाई का 3.14, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 31.4 मीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा इतना, और यही पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ से यहाँ हो जाएगा 10 रेडियस, और फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा 10, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 10 + 10 = 20, यानी ए से बी जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 और डिस्टेंस हो गया 31.4। ओके, वही लिखा हुआ 31.4 और डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ, यहाँ से यहाँ गया 4 किलोमीटर, फिर बोलता है कि देन टर्न्स राइट, राइट फिर मुड़ गया, फिर 4 किलोमीटर गया, बोलता है कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सबसे पहले देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ है कि ए से ओ से ए तक गया, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ से यहाँ जाने के लिए लगा ना 4, और फिर यहाँ से यहाँ गया तो 4, कितना हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ जो है ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बना रहा है, और ये जो हाइपोटेनस के बराबर था, हम जानते हैं राइट एंगल ट्रेंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम एच निकालेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो यहाँ से निकल जाएगा पी बराबर भी 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर + 4 स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 16 + 16 √32 हो जाएगा 4√2 मीटर में, तो मीटर में, किलोमीटर में तो किलोमीटर में, तो किलोमीटर में है, ठीक है, यानी डिस्टेंस निकल गया 8 और डिस्प्लेसमेंट निकल गया 4√2, ठीक है। इस तरह किसी भी क्वेश्चन अगर डिस्टेंस को हम क्या करेंगे आसानी, और डिस्प्लेसमेंट को आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। ओके, वही देखिए यहाँ पे है ये 30, इसलिए 30 इसी को यहाँ बोलते हैं, इसी का वैल्यू 4√2 आता है या 5.65, ठीक है। अब यहाँ बताते हैं, अब था सेकेंड में था कि टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट में होता है यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड में होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, बोलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल स्पीड, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम क्या करता है, इंटरवल में तय करता है, उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है 5 मिनट में कितना ये 10 तय करता है, 5 मिनट में 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, 10 मीटर मान लीजिए, फिर 5 मिनट में फिर जहाँ जाएगा फिर 5 मिनट 10 मीटर, फिर अगला 5 मीटर 10 मीटर, फिर अगला 5 मिनट 10 मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ है कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, इसको बोलते हैं कि ये जो मोशन होगा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब यहाँ है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, अब यहाँ दिया हुआ है कि ये स्पीड है, इधर ये ऊपर वाला, इधर उसको लेते हैं स्पीड, ये देख लीजिए ग्राफ में स्पीड होता है, इधर होता है, ये होता है टाइम। तो जब यहाँ होता है कि ऑब्जेक्ट
ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम, मान लीजिए यहां से जा रहा है यहां ऐसे, ठीक है, इसमें है क्या, ऑब्जेक्ट पहले चल रहा था मान लीजिए एक, तो यहाँ पे एक चल रहा था, दो गया तो फिर दो गया, इधर तीन गया तो इधर भी स्पीड भी तीन था, टाइम 4 सेकेंड लगाया तो उसका 4 सेकेंड था। इसमें क्या होगा कि इसमें है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में तय कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहले तय किया, फिर यहाँ से यहाँ तय किया, एक बार यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ हो गया, थर्ड स्टेप यहाँ आया, फोर्थ स्टेप यहाँ आया, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इसका अपोजिट हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इक्वल टाइम में उसका क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, बोलता है कि इतना डिस्टेंस किया 5 मिनट में, 15 मीटर, फिर मान लीजिए ट्रैफिक में फंस गया, फिर बोलता है कि 5 मिनट में मात्र तय कर पाया 2 मीटर, फिर बोलता है कि फिर 5 मिनट में कर लिया इस तरह 10 मीटर, फिर 5 मिनट में तय कर लिया 4 मीटर। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है क्या कि इक्वल टाइम तो ले रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में इक्वल टाइम ले रहा है, टाइम इतना ही है, ले यहाँ पे है कि डिस्टेंस है वहाँ 15 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस टाइप्स ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल एन इक्वल डिस्टेंस एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल ऑफ टाइम, मतलब 5 मिनट में 15 किया, फिर 2 किया, फिर 10 किया, फिर 4 किया, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो टाइप होते हैं, एक्सीलरेटेड डी एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें होता है कि सीधे जो एक होता है कि नीचे से ऊपर जाना, ठीक है, तो वेन मोशन ऑफ ए बॉडी इंक्रीज विथ टाइम, जब क्या करता है कि टाइम के मुताबिक उसका मोशन बढ़ता है तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, लेकिन जब है कि टाइम के मुताबिक वो घटता है, ठीक है, नीचे यहाँ गिर रहा है ना, इसको बोलते हैं डी एक्सीलरेटेड मोशन। वेन मोशन ऑफ ए बॉडी डिक्रीज विथ टाइम, टाइम के मुताबिक अगर मोशन क्या होगा घट रहा है तो उसको बोलते हैं डी एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, तो ये बोलता है कि जब मान लीजिए ऊपर यहाँ पहले था, पहले 10 पे था, 10 से घटते घटते आ गया 2 पे, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, 1 सेकेंड था, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड मान लीजिए यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ स्पीड, स्पीड क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस स्पीड, यानी पर यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस को बोलते हैं स्पीड। ठीक है, पर यूनिट टाइम में टोटल ट्रेवल किया गया डिस्टेंस को बोलते हैं स्पीड, यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब स्पीड जो होता है, स्पीड का ऐसा मात्रा का हम देख लेते थे, डिस्टेंस को मापते हैं मीटर में, टाइम को मापते हैं सेकेंड में, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ बोलता है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, उसका तब स्पीड क्या होता है, स्पीड जो है कांस्टेंट रहता है या यूनिफॉर्म मोशन रहता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहता है तब उसका क्या करता है, स्पीड भी क्या करता है कि उसका स्पीड भी कांस्टेंट रहता है। अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, ठीक है,
तो उसका स्पीड क्या करता है कि कभी भी यूनिफॉर्म रिमेन कॉन्स्टेंट नहीं रहता, कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो उसमें निकालना है सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। शुरू में बताए थे कि पाँच मिनट में पहले 15 गया था, फिर 2 गया, फिर 10 गया, फिर 4 गया। टाइम कितना कितना ले रहा था, 5, 10, 15 और 20, ठीक है। और सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 17, 17, 14, 21, 10, 31, 31/20 हो जाएगा, ओके 1.5 कुछ करीब आएगा। ये के टोटल एवरेज स्पीड निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। वही नीचे में पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होता है, तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ बोलता है कि इसका स्पीड दिया हुआ है, नहीं डिस्टेंस दिया हुआ 40, डिस्टेंस दिया हुआ है 40 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 5 आवर, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 5 आवर तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा 40/5 मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। जब वही बोल रहा है कि इसको किसमें जाने का मीटर पर सेकेंड में, तो हम शॉर्ट फॉर्म होता है स्पीड बराबर 8 × 5/18। जब बोलेगा तो पहले मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तब वैल्यू कोई भी जो वैल्यू उसको 18/5 से गुना करेंगे। लेकिन जब किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो वैल्यू को 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगा मतलब कोई नंबर तो आएगा ना, वो नंबर को 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। तो हमको बोलता है सबसे पहले यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा था, उसको चेंज करना था मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40/18 हो जाएगा 2.22 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलिए अब बस वेलोसिटी को आज देख लेते हैं, फिर कल हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ की वेलोसिटी इट इज ए स्पीड ऑफ ए बॉडी गिवन डायरेक्शन। अब यहाँ की ये भी स्पीड है, लेकिन स्पीड के लिए डायरेक्शन पॉसिबल ज़्यादा रिक्वायर नहीं था, लेकिन वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन दिया हुआ तो वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई ना कोई डायरेक्शन था, उसी तरह वेलोसिटी के लिए भी डायरेक्शन है। और यह वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू क्या करता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके डायरेक्शन साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में दोनों में से किसी प्रॉपर के थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है, वेलोसिटी में भी डिफरेंस आएगा, ओके। अब बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी बताई दी थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ है कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी बराबर वी प्लस यू बाय टू। यहाँ वी जो होता है, वी होता है वो फाइनल वेलोसिटी,
वी बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी यू होता है इनिशियल वेलोसिटी ठीक है। और यहाँ पे टू तो पता ही है, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है और बोला कि उसका एवरेज निकाले तो दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर देंगे ठीक है। अब यहाँ होता है इसका भी जो होता है ना ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड ही होता है मैंने वेलोसिटी का यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम को होता है सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड ही होता है ठीक है। वही लिखा है कि दी ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी को होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या हो सकता है कि वेलोसिटी भी क्या हो सकता है पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वही लिखा है नीचे में इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पॉइंट को हम कल के टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि शुरू में हम कंटेंट बता ही दिए थे क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।